इन प्रीवियस प्रेजेंटेशन वी डिस्कस अबाउट सिग्नीफिकेंट फिगर्स हाउ टू यूज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड वे टू यूज सिग्नीफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स की सिग्निफिकेंस है क्या कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए हमने इसको डिस्कस किया था इन स्लाइड्स में जिस वक्त आपके सामने हैं हम कुछ और रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे जिसमें स्टैंडर्ड एर ऑफ मीन कोफिशेंट ऑफ वेरियंस एंड रेलेटिडर्डियेशन डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी मुख्तलिफ मोड है जिनको हम करते हैं या जिनकी वैल्यूज़ हम रिपोर्ट्स के अंदर नॉर्मली लिखते हैं स्टैंडर्ड डेवियशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ये स्लाइड हमें इसका फार्मूला भी दिखा रही है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को हम एस सी एम के ज़रिए रिप्रजेंट करते हैं आम तौर पर यहाँ ये रिप्रजेंट कर रहे हैं स्टैंडर्ड एर ऑफ मीन इन मीन वैल्यू एक्स बार इज़ बेसिकली मेन वैल्यू और डाटा रिजल्ट लेने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स यानी एन नंबर ऑफ़ सैम्पल्स अगर हैं तो उसके अंडर रूट से डिवाइड कर रहे हैं सिंपली हमें बात समझ में आ रही है कि अगर चार नंबर ऑफ सैम्पल्स आप ले रहे हैं चार रेप्लिकेट्स का डाटा आप यहाँ पर प्लेस करें तो हम हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फिफ्टी परसेंट आधी रह जाएगी अगर हम नौ सैंपल्स ले रहे हैं तो उसके अंडर रूट की वैल्यू तीन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू तीन गुना कम हो जाएगी एक मेन डाटा में जैसे यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन मीन वैल्यू के आसपास की डेविएशन को शो कर रहा है और ये डेविएशन जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स हों उतना कम हो जाता है यानी शार्पनेस हमारे डाटा में बढ़ जाती है तो हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी वैल्यू कम होना हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने ज़्यादा नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स इस्तेमाल किए ग्रुप मीन जैसे ये डाटा वैल्यूज़ और ये जो बार इस वक्त आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड एरर को रिप्रेजेंट कर रही है यानी ये बार या इसका डिस्टेंस उतना कम हो जाएगा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स हम इस्तेमाल करेंगे तीन पाँच सात नॉर्मली हम ऑड नंबर ऑफ डाटा इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम बेस्ट ऑफ थ्री एक गेम के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इस रेप्लिकेट वैल्यू जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करें हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन या ये डेविएशन उतनी कम रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट में आएगी रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट के अंदर दूसरी चीज़ इस वक्त हम कोफिशेंट ऑफ वेरियंस को डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ़ स्प्रेड दैट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी में जितनी डेविएशन आ रही है उसे हम कोफिशेंट ऑफ वेरियंस यानी वेरियंस के अंदर जो वेरिएशन आ रही है उसे हम सी वी कोफिशेंट ऑफ वेरियंस के तौर पर रिपोर्ट करते हैं यह हमारा ऑफ वेरियंस का फार्मूला है इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन को नंबर ऑफ मीन के साथ मीन डाटा के साथ डिवाइड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इफ इन सम डाटा यू हैव मीन वैल्यू 81 और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास सिर्फ दो रिपोर्ट हो रही है यानी 79 से 83 तक हमारे डाटा का स्प्रेड है ये रिपोर्ट ये रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने का एक तरीका जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एटी वन प्लस माइनस टू अगर इसका हम सी वी कैल्कुलेट करें स्टैंडर्ड कोफिशेंट ऑफ वेरियंस तो हम डेवियेशन को इस मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे यकीन हमारी वैल्यू पॉइंट्स में आएगी इसीलिए हम कोफिशेंट ऑफ वेरियंस को आम तौर पे परसेंटेज के तौर पे या मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करके परसेंटेज ऑफ ओबेरियंस के तौर पे रिपोर्ट करते हैं रिपोर्ट करने का एक तीसरा मेथड जिसे हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं इस फंक्शन को हम आम तौर पे मुख्तफ इंस्ट्रूमेंट्स में स्टैंडर्ड एवियशन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे अटामिकब्जॉर्प्शन का डाटा किसी ख़ार आर एस डी पर इफेक्टिव होता है एप्लीकेबल होता है या हमें एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर होता है जैसे टेन परसेंट आर एस डी इज़ एक्सेप्टेबल इन रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट वेन यू आर वर्किंग ऑन एटामिकबजॉर्पन कोफ वेरियंस जिसको हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे उसमें रिजल्ट प्लस माइनस में ही रहेंगे अगर से कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं लेकिन जब हम आर एस डी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एज ए नंबर लेते हैं प्लस या माइनस साइंस के बगैर और फिर उसे मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं यानी हमारी आर एस डी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आएगी आर एस डी भी हम नॉर्मली परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे अभी हमने बात की कि एब्जॉर्प्शन रिजल्ट्स के लिए हमें लेस देन टेन परसेंट एक्सेप्टेबल लिमिट्स होती हैं जिसके दरमियान रह कर काम करते हैं ये मुख्तलि तरीक़ेकार थे जिससे हम अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने के लिए कोफिशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड एरर ऑफ़ मीन या रिलेटिव स्टैंडर्ड रेलिटिटर्डियशन को इस्तेमाल करते हैं